जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बता दें कि अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें एमपी के टॉप एजुकेटर से आपको यहाँ पर पढ़ने का सुनहरा मौका है, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले वीकली यहाँ पर 300 से ज्यादा यहाँ पर फ्री लाइव क्लास होती है, जिसमें आपके डाउट क्लियर जो सेशन भी होता है। फिर यहाँ पर आपके जो है डेली T20 फ्री लाइव क्विज भी होते हैं, 20 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं 8 PM पर। यहाँ पर आपकी फ्री लाइव क्लास होती है और यहाँ पर आपके फ्री क्विज भी यहाँ पर लाइव क्विज उपलब्ध है, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। वीकली आपके यहाँ पर फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी होते हैं। ये जो सभी है, इन फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप और इसमें आपको जो है सिलेक्ट करना है MPPSC एंड व्यापम यहाँ पर, और इसके बाद आपको क्या करना है, रेफरल कोड के रूप में यहाँ पर यूज करना है सुमित जैन। सुमित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करें सुमित जैन। फिर इसके बाद यहाँ पर MPPSC ब्रह्मास्त्र है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या है 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पर चल रहा है। ये जो है 10 से 12 जनवरी तक 2021 तक चलेगा, जिसमें फ्री 50 फ्री लाइव सेशन आपके लिए उपलब्ध है, 3 दिन का ब्रह्मास्त्र है। तो अभी ज्वाइन करें फ्री प्लान में। इसके बाद यहाँ पर एक चैंपियनशिप है, चैंपियनशिप जिसमें प्री MPPSC प्री 2020 के लिए, जिसमें यहाँ पर क्या है टॉप 3 विनर्स के लिए यहाँ पर क्या है अनअकैडमी के द्वारा 1 महीने का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो अभी अभी इनरोल करें प्री चैंपियनशिप में और अपनी जो है MP प्री 2020 क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं, जो है अब Top 3 winners में अपनी जगह बनाए। और इसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैच के बारे में कि कौन सा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा कब से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके लिए बता दें हैं, आपके लिए यहाँ पर प्री क्लियर करने के लिए रामबाण है जो स्टार्ट हो चुका है आपका जो है 14 जनवरी से। तो अभी ज्वाइन करें, 60 दिन का कोर्स है, जिसमें आपको यहाँ पर अल्टीमेट 60 दिन का यह कोर्स है, जिसमें आपके डेडिकेटेड MCQ रिवीजन फॉर प्री 2020 के लिए यह उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से इसको ज्वाइन कर लें। इसके बाद प्री क्लियर करने के लिए बेहतरीन कोर्स ये भी आपका स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, जिसमें आपको यहाँ पर MPPSC प्री कोर्स में, जिसमें डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज लाइव MCQ एवरी डे और आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें, 60 दिन का एक कोर्स है और लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ पर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृतानुशासन के लेखक कौन है, इसके लेखक बताना है। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। प्रकृतानुशासन के लेखक यहाँ पर पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका जो सही आंसर है वह है यहाँ पर राइट आंसर। क्या है 61 का राइट आंसर, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। कौन है इसके लेकर, पुरुषोत्तम देव आपका यहाँ पर सही आंसर है। पुरुषोत्तम देव आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अपभ्रंश के निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद डॉक्टर तगारे ने नहीं माना, तो कौन सा वेद नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है, क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका 4 विकल्प भी दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 62 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि उत्तरी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर याकोबी ने अग्रलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के वेदों का उल्लेख किया है, तो अपभ्रंश के वेदों का उल्लेख क्या है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है, 63 का राइट आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश या हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग या आपका अगला विकल्प है यहाँ पर सनत कुमार चरियू। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि सनत कुमार चरियू आपके यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अपभ्रंश के चार भेद भेद जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है, तो किसने किया है यह बताना है। डॉक्टर याकोबी ने, डॉक्टर तगारी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर भयाणी ने। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 और 64 का आपका जो सही आंसर है, बिल्कुल सही, क्या है आंसर 64 का आपका राइट आंसर यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक यानी कि डॉक्टर याकोबी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या है, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक यहाँ पर आपसे पूछा गया है, और 65 का जो सही आंसर है डॉक्टर तगारी आपका सही आंसर है। डॉक्टर तगारी आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 व क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर नामवर सिंह के मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं नामवर सिंह के अनुसार बताना है, दो या चार या तीन या पांच, तो ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं और आपका सही आंसर है यहाँ पर, क्या है सही आंसर, आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर जो यहाँ पर है वह है क्या है, तो आपका विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, एक यानी कि दो, दो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। डॉक्टर नामवर सिंह की मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, याद रखिए दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, पूर्वी और पश्चिमी, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश में रामकाव्य के प्रथम कवि कौन है, तो अपभ्रंश में रामकाव्य के प्रथम कवि यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 का सही आंसर आपका जो है यहाँ पर क्या है वह बताना है, तो क्वेश्चन नंबर है 67 और 67 का सही आंसर है आपका यहाँ पर, जल्दी से बताइए अगर आपसे आंसर बनता है तो आंसर कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका स्वयंभू सही आंसर है, स्वयंभू यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अपभ्रंश का एक रूप खस है जिसे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, खस का एक अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, अन्य नाम बताना है कौन सा है, महाराष्ट्री है या दरद है, ब्राचड़ है, मागदी है, ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 68 और 68 का जो सही आंसर है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है, बिल्कुल सही 68 का आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी यानी कि दर्द आपका यहां पर राइट आंसर है, दर्द। अगला क्वेश्चन है स्वराष्ट्री या नांगर अपभ्रंश का संबंध है, राजस्थान से है, बिहार से है, महाराष्ट्र से है या गुजरात से है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है, स्वराष्ट्री या नांगर अपभ्रंश का संबंध है, कहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 69 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है गुजरात से, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्यासाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है, तो क्या है जो प्यासाची अपभ्रंश है इसका एक अन्य नाम आपसे पूछा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर आपके यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है यहाँ पर विकल्प नंबर एक यानी कि केकाई, केकाई आपका यहाँ पर सही आंसर है, केकाई आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया है, तो अपभ्रंश में कृष्ण कथा का जो सूत्रपात किया है वह किसने किया है, पुष्पदंत ने, स्वयंभू ने या हरिभद्र सूरी ने या विनय चंद्र सूरी ने, क्वेश्चन नंबर है 71 और 71 का जो सही आंसर है आपका वह है यहाँ पर राइट आंसर 71 का विकल्प नंबर बी यानी कि स्वयंभू, स्वयंभू आपका यहाँ पर सही आंसर है, जिन्होंने विकल्प नंबर बी बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्नलिखित में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया है, तो किस प्राकृत को सर्वाधिक जो है प्रभावित किया है अपभ्रंश ने, यह बताना है आपके लिए, तो चार विकल्प दिए गए हैं, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, स्वरसेनी या मागधी, तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं और आपके यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, क्या है आंसर, 72 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि स्वरसेनी आपका यहाँ पर
पर सही आंसर है, स्वर सैनी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के अनुसार सम्मिलित करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर सम्मिलित करना है नीचे यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर, कूट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना कौन सा है यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73, और 73 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी होगा यहाँ पर कूट में। मगर यहाँ पर देख लेते हैं वर्ण रत्नाकर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वर्ण रत्नाकर का हो जाएगा आपका क्या होगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और यहाँ पर कीर्ति लता का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कीर्ति लता का आपका हो जाएगा विद्यापति, हाँ कीर्ति लता का विद्यापति। अब भ्रंश काव्यत्री का अंक काव्यत्री का जो सही आंसर होगा यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा लालचंद गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा, और सिद्ध हेम शब्दानुशासन का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो डी है डी का आपका सही आंसर है हेमचंद, विकल्प नंबर आपका जो यहाँ पर जो जोड़ी में एक दिया है वह सही आंसर। इस प्रकार यह जो सम्मिलित हो गई। अगला क्वेश्चन है बिहारी बंगला असमिया और उड़िया भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर बताना है, और क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, और 74 का आपका जो सही आंसर है वह है यहाँ पर विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है मागधी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही मागधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है अर्ध मागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ है आपके लिए बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 75 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है कि पूर्वी हिंदी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी हिंदी पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो कौन से रूप से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 76 है अपना यहाँ पर, और 76 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी यानी कि स्वर सैनी आपका यहाँ पर सही आंसर है, स्वर सैनी यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही स्वर सैनी यहाँ पर जिन्होंने बताया विकल्प नंबर सी उनका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लें कि ब्राचड़ अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है, ब्राचड़ अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है, क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर आपके लिए बताना है, और 77 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, तो 77 का राइट आंसर है आपका राजस्थानी गुजराती उड़िया या सिंधी, तो सिंधी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, असमिया भाषा का विकास जो हुआ है अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, मागधी से पैसाची से अर्धमागधी से या ब्राचड़ से, तो क्वेश्चन नंबर है 78 और 78 का जो सही आंसर है आपका वह यहाँ पर बताना है, तो 78 का सही आंसर है आपका कि असमिया भाषा का जो विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो 78 का राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानी कि मागधी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लें कि स्वराष्ट्री या नांगर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है, स्वराष्ट्री या नांगर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है, अपभ्रंश क्या है यह बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर है 79 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर है, डी क्या है 79 का, तो देखिए स्वर सैनी अपभ्रंश का पश्चिम रूप है यह आपका जो है सही आंसर है, हाँ बिल्कुल सही यह आपका जो है सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 80 वा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है, अपभ्रंश का भवभूति बताना है, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या है यहाँ पर बताइए, चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आपका जो यहाँ पर है वह है विकल्प नंबर एक यानी कि डॉक्टर भयानी, यहां पर आपका 80 का जो राइट आंसर है कि यहां पर क्या है अपभ्रंश का जो है भवभूति किसे कहा गया है, तो अपभ्रंश का भवभूति जो है पुष्पदंत को कहा गया है, भयाणी ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है, बिल्कुल सही भयाणी ने कहा है, किसने कहा है भयाणी ने, तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही।
क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन करें 10 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स, जिसमें आपकी यहाँ पर कंप्लीट जो है सिलेबस से कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से लाइव क्लास उपलब्ध है, पीडीएफ नोट्स भी हैं और मेगा क्विज भी है। ये जो है 9 फरवरी से जो है स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से ज्वाइन कर लें। आप ऑलरेडी रिविजन कर रहे हैं और रिविजन देख रहे हैं तो यहाँ पर अचीवर कोर्स है, जिसमें आपके लिए यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश मीडियम में भी है, वही आपके लिए यहाँ पर अचीवर जो बैच है हिंदी मीडियम में भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। दोनों में एमपी के टॉप एजुकेटर आपके लिए यहाँ पर मिलेंगे और आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट जो है सिलेबस प्री एमपीपीएससी प्री का कंप्लीट सिलेबस और पीडीएफ नोट्स आपके लिए उपलब्ध यहाँ पर कराए जाते हैं। एमपी के टॉप एजुकेटर ये आपके लिए दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने सपनों को साकार करने के लिए अनएकेडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें एमपीपीएससी प्री एमपीपीएससी का मेंस जो है तैयारी करवाई जाती है आंसर राइटिंग के साथ 35 दिन में, वो भी हिंदी मीडियम के साथ। यहाँ पर लाइव क्लास है, पीडीएफ नोट्स है, वीकली मेगा क्विज है और आंसर राइटिंग सीरीज भी उपलब्ध है। 35 दिन का यह कोर्स है तो अभी ज्वाइन कर लें, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अब बात करते हैं अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदना है, तो सबसे पहले आपके लिए अनएकेडमी डाउनलोड करना है, एमपीपीएससी एंड व्यापम आपके लिए यहां पर सिलेक्ट करना है यहां पर, फिर इसके बाद आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए जो है अनएकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, 1 महीने का 3 महीने का 6 महीने का और यहाँ पर 12 महीने का और 24 महीने का। ये जो सब्सक्रिप्शन है आप कोई सा भी यहाँ पर जो है खरीदेंगे, 10% डिस्काउंट भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, 10% डिस्काउंट आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो आज ही आप अनएकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर अच्छी मजबूत करें अनएकेडमी के साथ। तो आज ही अनएकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप जाकर अनएकेडमी ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं अनएकेडमी के साथ। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए तो वहां से आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।